आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश भर में दूसरे कल के साथ आपसे निवेदन करने आया हूँ। से आप सबों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री अंगवस्त्र और कुछ मुझसे सम्मान करेंगे माननीय सांसद जी। एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय सांसद। एक भी बांग्लादेशी को बिहार में भी रहने नहीं देंगे, एकदम स्पष्ट रहिएगा। और पूर्ण रूप से सुशासन की सरकार बनाना। हमारे मजबूत साथी यहाँ पर प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे कई माननीय विधायक खड़े हैं और एकदम आपके अंगरक्षक बनकर, और अभी तो प्रधानमंत्री जी भी आपके यहाँ आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम आपके बीच में होना है। एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए मिलकर इस बिहार को श्रेष्ठ बनाना है और भारत श्रेष्ठ बनाने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, इस भारत को आगे ले जाना है। इसलिए सभी साथियों को मैं आपके तरफ से, यदि आप कहें, क्योंकि अभी तो नामांकन करने के लिए प्रदीप सिंह जी जाने वाले हैं, लेकिन आप लोग यदि कहिए तो हम चिराग जी, उपेंद्र जी, रामनाथ ठाकुर जी आपके तरफ से माला पहना दे कि आज ही नॉमिनेशन करें और जनता के बीच में आशीर्वाद लेकर 4 तारीख को, एक एक वोट जब आप 7 तारीख को वोट देंगे, जैसे ही वोट दीजिएगा और 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा कि प्रदीप सिंह चुनाव जीत गए, वैसे ही समझिएगा मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हो गए। की जनता ने आस्था का दिखाने का काम किया है, यह स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम करेगा। और कोई गलतफहमी में हम नहीं है, अध्यक्ष जी एकदम, अजय जी एकदम कंफर्म रहिए, पहले भी अररिया भाजपा कमल खिला था और जहां जहां कीचड़ फैलेगा वहां वहां तो कमल जरूर खिलेगा, एकदम बेफिक्र रहिए साथियों। इसलिए जिस की किरण लगातार बढ़ाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी तरह आगे बढ़ते जाना है। और स्पष्ट तौर पर हम लोगों का मानना है, बिहार में किसी भी माफिया को चलने नहीं देना है। ये जो माफिया लोग हैं, कोई शराब माफिया, कोई बालू माफिया और जमीन माफिया है, एकदम अस्वस्थ रहिए, या तो उसको अररिया के जेल में बंद करने का काम करेंगे, नहीं तो उसको बिहार छोड़कर नेपाल भागना पड़ेगा।